नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कृषि उपज मंडी में भूखंड आवंटन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आगामी बुधवार को मीटिंग होनी है। वहीं बलोतरा फल एवं सब्जी व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। फल एवं सब्जी व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश गहलोत व गणपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कृषि उपज मंडी बलोतरा की भूखंड आवंटन मीटिंग 14 दिसंबर बुधवार को होनी तय हुई है, जो नियम विरुद्ध है, जिसमें 7 से 8 व्यापारी ही चाहते हैं कि भूखंड आवंटित हो एवं शेष संपूर्ण 35 व्यापारी भूखंड आवंटन के विरोध में है। नक्शा संशोधन कर भूखंड आवंटन करने की मांग करते हैं, जो 7-8 व्यापारी अपने रुपयों व चाहने वालों का फायदा पहुंचाने के नियम से आवंटन करवाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हमने पूर्व में भी कार्रवाई करने के लिए नोटिस व आपत्तियां प्रस्तुत की थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं व्यापारियों ने बताया कि मीटिंग स्थगित नहीं करने पर समस्त फल सब्जी व्यापारी व मिनी होलसेल 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मंडी बंद का आह्वान करते हैं। इससे अगर 7-8 व्यापारी भूखंड आवंटन करवाना चाहते हैं तो वे अगर मंडी बंद नहीं करते हैं तो जो मान हानि और नुकसान होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन 7-8 व्यापारियों व कृषि मंडी प्रशासन व सचिव की रहेगी। जब कोरोना काल था तो वहाँ से बैठक हुई थी, सभी 42 व्यापारी थे, उन्होंने यही डिसीजन लिया कि हम 42 व्यापारी है और हमको अस्थायी जगह दी है और इनसे निवेदन है कि इनको स्थायी किया जाए, यही हमारे से प्रार्थना है कलेक्टर महोदय। और हम यही कहते हैं कि जो बालोतरा में सब्जी के व्यापार कर रहे हैं, रोज का टर्नओवर 80-90 लाख का होता है, जिसमें कर्मचारी सचिव महोदय वो 2-3 लाख का ही बता रहा है टर्नओवर, और ये सारे पैसे बड़े व्यापारी अपने पक्ष में ले रहे हैं और ये घाटा गवर्नमेंट को हो रहा है। हमारे से निवेदन है कि इन ऐसे व्यापारियों का लाइसेंस रद्द किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बहरा राम माली, मेरे जगतमा सब्जी भंडार का मेरे फर्म का नाम है। मैं 40 साल से सब्जी का धंधा करता हूँ और मेरे को दुकान नहीं मिल रही है। जो अभी जो 2 साल ने किसी ने धंधा नहीं किया सब्जी का, उसको दुकानें मिल रही है, और मैं 40 साल से धंधा कर रहा हूँ, मेरे को दुकान नहीं मिल रही है। मैं बालोतरा से आया हूँ, फल का व्यापारी हूँ। मेरे बाप दादाओं को भी 50 साल हो गए इस मंडी में व्यापार करते हुए। अब मेरे को दुकान आ नहीं रही है, मैं व्यापार कर रहा हूँ, अब मेरा भविष्य क्या है मेरे को आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मैं बहुत हताश हूँ, इसलिए यही मेरी तहे दिल से मतलब यूँ है कि आप इसका पूरी जाँच करो, निष्पक्ष जो भी फैसला होता है वो हम मानेंगे। आप बालोतरा से किस काम के लिए बाड़मेर आए? हमारी सब्जी मंडी की समस्या के लिए बाड़मेर आए। क्या समस्या सब्जी मंडी? हमारी दुकानों का एक ही साइज में आवंटन की जाए और भेदभाव नहीं किया जाए, सब व्यापारियों को दुकान मिली जाए। सर आपका नाम क्या है? परमानंद ज्ञानचंद। आप कहाँ से? बालोतरा से। किस काम से? मेरे फ्रूट का काम है सब्जी मंडी में, और मेरे को 45 साल हो गए धंधे किए, मेरे को दुकान नहीं मिल रही है। माल जोधपुर से आता है, टैक्स पेड आता है, और जो धंधा नहीं करते हैं उनको दुकानें दी जा रही है, और 40-45 साल को हो गए उसको दुकान नहीं दे रहे हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी जांच कीजिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आयो, क्यों आयो? सर मेरा नाम मुकेश माली है, मैं बालोतरा सब्जी मंडी में व्यापार करता हूँ, और पिछले 40 वर्षों से मेरे पिताजी व्यापार करते थे। अभी कोरोना में उनका डेथ हो गया था, जिसमें कोरोना टाइम में सचिव द्वारा एसडीएम द्वारा हमें अस्थायी तौर पर न्यू फल सब्जी मंडी में शिफ्ट किया गया था, जिनमें हमें अस्थायी प्लेटफॉर्म दिए गए थे। उसके बाबत में हमने एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को पहले भी अवगत करा चुके हैं कि उन्हीं व्यापारियों को दुकानें आवंटन की जाए। और उसके बाद में जो दुकानों का नक्शा बना हुआ है उसमें ऑल राजस्थान में कहीं ऐसा नहीं है कि दुकानों की साइज अलग अलग हो, और वहाँ पर 3 साइज की दुकानें बनी हुई, 20x40, 15x30 और 10x20 की। उसके लिए हम जयपुर भी गए, मुरैलाल जी मीणा साहब को भी अवगत कराया और इनको भी अवगत कराया, नाम डायरेक्टर साहब सीताराम जी जाट को भी दिया हुआ है, पर उन्होंने भी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले 1.5 वर्षों से हम वहाँ जा रहे हैं लगातार, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी हम एसडीएम साहब को भी ज्ञापन लेके आए पर उनसे भी कोई नहीं हो रही है। पिछले 6 या 7 तारीख को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन लेके गए थे, उसमें ये लिखा हुआ था साहब कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए। पर कलेक्टर साहब ने ऑनली कानापूर्ति करके
हमें वापस भेज दिया था, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 14 तारीख को अभी दुकानें अलॉटमेंट हो रही है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। दुकानें किसको मिल रही है? दुकानें सर भू माफिया को, पैसों के बलबूते जो अपना व्यापार चला रहे उनको, जिसमें 0.01% टैक्स था, उस टाइम टर्नओवर भी नहीं बनता था, आयकर रिटर्न के आधार पर टर्नओवर बनता था और उन्हें कृषि मंडी के रिटर्न पर टर्नओवर बनाया, जिसकी सचिव ने अभी तक जांच नहीं करवाई है। आयकर विभाग से भी निवेदन है कि आप उनके टर्नओवर की जांच करवाएं और जांच एकदम सख्त तरीके से हो, ताकि उनका खुलासा हो कि इन्होंने टर्नओवर की जांच करवाई कि नहीं करवाई। पुराने जो व्यापारी है सब्जी के फल फ्रूट के, उनको क्या दुकानें मिल रही है? नहीं सर, हम पहले नगर पालिका में बैठे थे जिसमें कृषि मंडी का कोई रोल नहीं था और हम कृषि मंडी का टैक्स भी नहीं देते थे, क्योंकि नगर पालिका में किराया जमा करवाते थे और सचिव कृषि मंडी के टैक्स के आधार पर भू माफिया को दुकानें आवंटन कर रहा है, और हम जो 40 वर्षों से ये सारे व्यापार कर रहे हैं उनको दुकानें नहीं आ रहे। कितने व्यापारी हो? व्यापारी हमको टोटल 42 व्यापारी है, जिनकी लिस्ट भी सभी को दी हुई है। होलसेल हो रिटेल हो? सब होलसेल है, सभी होलसेल दुकानें। नई कितनी बनी है अभी? दुकानें 85 दुकानें बननी है, उसका नक्शा प्रावधान प्रस्तावित हुआ है, दुकानें अलॉटमेंट होने के बाद बनेगी, पर उसमें क्या है 20x40, 15x30 और 10x20 की दुकानें। राजस्थान मंडी में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटी बड़ी साइज की दुकानें होती है। जोधपुर मंडी देख लो, फलौदी देख लो, जैसलमेर देख लो, भीनमाल देख लो, जालौर देख लो, सभी में एक समान दुकानें, सारे व्यापारी एक समान है, तो दुकानों की साइज भी एक समान होनी चाहिए। और सचिव सर कोई जवाब नहीं दे रहा है, हम उनसे बार बार अवगत करवा चुके हैं, उन्होंने बोला सर आप अपने लेटर पेड पर लिख के दे दीजिए, प्रस्ताव जयपुर भेज दिए हम करवा देंगे, पर वो बोल रहे हम अगर वहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो हमारे गले आ जाएगी, हम ये प्रस्ताव नहीं बना के भेजेंगे। जिला कलेक्टर से मिले, उन्होंने क्या कहा? सर ने बोला है कि एडीएम साहब बालोत्रा बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, वो आपकी कार्रवाई करेंगे, मैं तो यहाँ से उनको भेज दूंगा, पर हमारी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार बालोत्रा में पिछले 3 वर्षों से चला आ रहा है, और इसके लिए हम बार बार अवगत करवा चुके हैं, पिछली बार भी 2 बार हमने कैंसिल करवाई थी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, पुराने तरीके से अब वापस अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 40 वर्षों से बालोत्रा सब्जी मंडी के अंदर सब्जी का फल फ्रूट का व्यापार करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अब वहाँ पर अलग अलग दुकानें बनी हैं छोटी छोटी, जो सब्जी मंडी में व्यापारियों को देने के लिए, तो ये बता रहे हैं ये जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, इनकी मांग है कि जो पुराने व्यापारी है सब्जी के उनको अस्थायी किया जाए, तो ये इसलिए आए हैं, तो मगर ये कह रहे हैं कि जो हम 40 वर्षों से बैठे हैं हमारे को दुकान नहीं देते, ये जो अलग अलग कोई भू माफी है, अलग अलग व्यापार करते हैं उनके लिए दुकानें आवंटन हो रही है, तो उसकी मांग को लेकर ये कह रही है कि वहाँ सचिव भ्रष्टाचारी फैला रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।